जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमें कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखी थी। सेकंड, उसके बाद हमने देखा था, आगे पीछे देखा था हमने, मॉलिक्यूलर रेंज पहले देखा था हमने, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। और सबसे पहले हमने देखा था दो टाइप के फोर्स, एक पढ़ा था कोहेसिव एंड सेकंड हमने देखा था अधेसिव। कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। और अधेसिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। सरफेस टेंशन हमने पढ़ा था, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। यानी सरफेस टेंशन लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी लिक्विड अपना जो सरफेस एरिया है उसको कम करना चाहता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड अपना सरफेस एरिया क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है सरफेस टेंशन, ओके। और अगर आपको याद ना रहे तो फिर आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन पर मीटर, और एक होता है जूल पर, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर, ओके। मॉलिक्यूलर रेंज आपको याद आ रहा है सबको? मॉलिक्यूलर रेंज हमने पढ़ा था कितना होना चाहिए, 10 to power क्या होना चाहिए, -9 होना चाहिए, याद आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर रेंज के बाद मैंने आपको सरफेस एनर्जी पढ़ाना है। सरफेस एनर्जी को आने के लिए आपको दो चीजें और आनी चाहिए, और आनी चाहिए सरफेस फिल्म, पता होना चाहिए क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो सारी चीजें अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज में आपको डाउट होगा तो आप अभी के अभी पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर, फटाफट रिप्लाई करें अगर सब कुछ क्लियर है तो, क्लियर करके, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये सारे बेसिक्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको वो बेसिक आता है तो ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, सरफेस फिल्म में डाउट है, अच्छा देखो साक्षी, देखो सरफेस फिल्म मतलब, सरफेस फिल्म मतलब एग्जांपल लेता हूं, दूध का एग्जांपल ले लो या फिर सोप फिल्म ले लो, सोप, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने कोई एक सोप सॉल्यूशन बना के रखा है और उस सोप सॉल्यूशन में क्या है, एक लेयर है। आपने देखा होगा सोप सॉल्यूशन में एक छोटी सी लेयर होती है, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन में एक छोटी सी जो लेयर होती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या फिर दूध का एग्जाम्पल लेता हूँ। दूध का एग्जाम्पल बहुत जल्दी समझ में आता है इसलिए मैं हमेशा वही एग्जाम्पल लेता हूँ। तो दूध को गर्म किया आपने और दूध को ठंडा किया, तो दूध को ठंडा जब करते हैं तो ठंडा करने के बाद ऊपर एक लेयर होती है, या फिर थिकनेस, मैं लेयर की बात नहीं करता, मैं थिकनेस बोलता हूँ। तो दूध का जो ऊपर का लेयर होता है उसे हम साय कहते हैं, और वो साय क्या होती है आपकी, थिक होती है। कितना थिक होती है, 10 to power minus 9। यानी बोलने का मतलब क्या, अ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, अ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड वोज थिकनेस इक्वल टू वोज थिकनेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्लियर हो गया पहले तो, सरफेस फिल्म क्लियर हो गया, फिर मैं बताता हूँ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, ठीक है। सरफेस फिल्म का मतलब, अगर दूध का एक ठंडा होने, दूध गर्म करने के बाद ठंडा होने के बाद जो ऊपर लेयर आती है, वो लेयर की थिकनेस अगर मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है तो उसे सरफेस फिल्म कहेंगे, या फिर ऊपर की लेयर, अपनी लैंग्वेज में कहें तो उसे ऊपर की एक लेयर कहेंगे, ओके। अब देखिए, मैं बल्क लिक्विड भी पढ़ाऊंगा और सरफेस लिक्विड भी बताऊंगा, ठीक है, सरफेस में क्या होता है और बल्क में क्या होता है, दोनों चीजें बताऊंगा। अभी थोड़ा वेट कीजिए, एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या डाउट है आपका, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ गया, अच्छा सरफेस फिल्म, ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखिए आप, यहाँ यहाँ समझ में आएगा, ये देखो ये बेटर है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए। तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब, ठीक है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये जो आपको इमेजिनरी स्पीयर दिख रहा है, मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, डायग्राम है, सारी चीजें आपको डायग्राम से क्लियर करना है। तो जो इमेजिनरी स्पीयर दिख रहा है आपको किसी भी मॉलिक्यूल का, मतलब मैंने अगर बोला कि एक मैंने मॉलिक्यूल ए बी सी डी है ना, तो यहाँ पे मैंने डी नाम का एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक डी नाम का मॉलिक्यूल ले लिया और इस मॉलिक्यूल में मैंने क्या कर दिया, एक डी नाम का मॉलिक्यूल है, मैंने इमेजिनरी एक स्पीयर ड्रॉ कर, तो इमेजिनरी स्पीयर विथ अ मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डी हमने यहाँ पे बोला है, तो इमेजिनरी स्पीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट, इमेजिनरी स्पीयर, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, इमेजिनरी स्पीयर, तो इमेजिनरी स्पीयर विथ किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, अभी मैंने डी मॉलिक्यूल बोला है तो डी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इमेजिनरी स्पीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर, सेंटर एंड रेडियस, बोथ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, इज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्लियर हो गया, यह डेफिनेशन है आपके टेक्स्ट बुक में, अगर आप चेक करो तो आपको भी यही डेफिनेशन मिलेगी। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब एक इमेजिनरी स्फीयर होता है। अब बात करेंगे फ्री सरफेस लिक्विड की, तो ब्लैक स्क्रीन पे देखिए जल्दी समझ में आएगा। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है हमारा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ऊपर की जो लेयर है, मैं ऐसे बोलता हूं कि जो ऊपर का सरफेस लेयर है, यहां से यहां तक क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, 10^-9 का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर रेंज, इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, पी क्यू आर एस बोल सकते हो, ठीक है। फ्री सरफेस को समझिए, ये जो ऊपर की लेयर है इसे मैं क्या कहूंगा, ये जो ऊपर की लेयर है इसे हम क्या कहेंगे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और ये जो पानी है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे वाटर है, तो मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है इसे हम क्या कहते हैं, बल्क सरफेस, और इसे क्या कहते हैं हम, फ्री सरफेस। पहले ये क्लियर हुआ क्या, बल्क किसे कहते हैं और फ्री किसे कहते हैं। बल्क मतलब जहां पे काफी सारे मॉलिक्यूल्स हो एक साथ, ठीक है, जैसे मैंने एक दिन में 100 न्यूमेरिकल करा दिया तो आप क्या कहेंगे, बल्क में न्यूमेरिकल करा दिए। मैंने एक दिन में आपको 50 होमवर्क दे दिए तो आप क्या बोलेंगे, बल्क में होमवर्क दे दिए सर। बल्क मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा हो, तो बल्क मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का अमाउंट ज्यादा है, तो हम जो पानी जहां पे ज्यादा है उसे हम क्या कह रहे हैं, बल्क। और एक और वर्ड है फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस ये होता है, ठीक है, फ्री सरफेस। क्लियर हो गया, तो फ्री सरफेस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, फ्री सरफेस में कोई फोर्स लगता है कि यहाँ पे नहीं, मॉलिक्यूल अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, आप इमेजिन कीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को, बहुत ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को कोई इधर बाजू में जो मॉलिक्यूल होंगे उसको इधर खींच रहा होगा, इस मॉलिक्यूल को बाजू में यहां से खींच रहे होंगे, इस मॉलिक्यूल को यहां से खींचा जा रहा है, इस मॉलिक्यूल को यहां से, 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 यहां से, यहां से 10 न्यूटन, यहां से 10 न्यूटन, यानी सभी जगह से इस मॉलिक्यूल को क्या खींचा जा रहा है। बल्क की बात कर रहा हूं मैं, सरफेस की बात नहीं कर रहा, तो बल्क की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या कह रहा हूं कि इस बल्क मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे इसको इक्वल फोर्स लग रहा है सभी जगह से, सभी जगह से क्या लग रहा है, इक्वल फोर्स। तो बल्क मॉलिक्यूल का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो। बल्क मॉलिक्यूल का नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। अब मैं सरफेस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका कुछ पार्ट क्या है, आप कहेंगे कि सर इस मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट
लिक्विड में है तो इतना ही लिक्विड मॉलिक्यूल उसको नीचे खींच रहे होंगे, इसका आधा पार्ट नीचे की तरफ है तो लिक्विड मॉलिक्यूल उसको नीचे की तरफ खींच रहे होंगे इतने, ठीक है इतना। अब आप मुझे बताइए ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाएगा कि ये नीचे की तरफ जाएगा या फिर ये ऊपर जाए? ऊपर तो नहीं जाएगा, पहली बात तो एयर मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, एयर मॉलिक्यूल के द्वारा जो फोर्स लगता है बहुत कम लगता है, तो ये मॉलिक्यूल को जो फोर्स लगेगा वो टोटल फोर्स कहाँ लगेगा सर? ये तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए ना, ये वाले क्या, ये वाले फोर्सेस क्या हो गए, ये वाले फोर्सेस क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, इसको नेट फोर्स कहाँ लगेगा? तो आप कहेंगे सर नेट फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूं, ये तो फोर्सेस चलो कट हो गए, ये फोर्सेस की बात करते हैं और ये फोर्सेस की बात करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ये भी डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो ये सरफेस मॉलिक्यूल है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है इसकी बात करते हैं, तो इसको फोर्स कहाँ लगेगा, इधर भी एफ इधर भी एफ इधर भी एफ इधर भी एफ, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्या बल्क सरफेस बल्क लिक्विड समझ गया, ये फ्री सरफेस समझ गया, दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड बल्क लिक्विड। तो मॉलिक्यूल को अलग अलग फोर्सेस लगते हैं, सरफेस में अलग फोर्स लगता है और बल्क में अलग लगता है। अब ये फॉर्मूला जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा, तो यही है, वो यही है, हर साल यही टॉपिक में आता है, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो ये है आपके मॉलिक्यूलर थ्योरी, और आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे अडहेसिव फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे एयर है ये वॉटर है, यहाँ पे एयर है और ये क्या है, वॉटर है, तो एयर और वाटर मतलब क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो अडहेसिव बड़ा होता है कि कोहेसिव बड़ा होता है, ये भी बता दो आपने, कौन सा बड़ा होता है, मैंने क्या पढ़ाया आपको, आप बताइए। मैंने ये बोला था कि वाटर वाटर को अलग कर सकते हो कि वाटर और सॉलिड को अलग कर सकते हो, या फिर पेंट और जो भी वुड होगा उसको अलग कर सकते हो, तो आप क्या कहेंगे, कोहेसिव ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोहेसिव ज्यादा बड़ा होता है और अडहेसिव छोटा होता है, तो ये चीजें हैं, बेसिक है बट हर जगह काम आते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि कुछ एयर मॉलिक्यूल है ऊपर और नीचे में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो हमें इसी की थ्योरी पढ़ना है और ये टॉपिक को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए आपका जो टॉपिक है ये एग्जाम में बड़ा कम आता है, बहुत ही कम आता है, बट ऐसा नहीं कि अगर एग्जाम में कम आता है तो इसको नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, आपके सिलेबस में है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तीन मॉलिक्यूल है हमारे पास, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल सी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मॉलिक्यूल ए इज कंप्लीटली डिप्ड इनसाइड द लिक्विड? मॉलिक्यूल ए की बात करते हैं, मॉलिक्यूल बी की बात करेंगे और फिर मॉलिक्यूल सी की बात करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ए कंप्लीटली डिप्ड इनसाइड द लिक्विड, वेयर एज मॉलिक्यूल बी कुछ पार्ट सर एयर में है, मैं वाटर ले लेता हूं, एयर वाटर जल्दी समझता है इसलिए एयर और वाटर ले लेते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट एयर में है मॉलिक्यूल बी का और उससे ज्यादा पार्ट वाटर में है, मॉलिक्यूल सी का क्या कहेंगे सर? अपर पार्ट, अपर हाफ पार्ट, आधा पार्ट तो एयर में है और आधा पार्ट कहां है सर? लिक्विड में या तो वाटर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल सी का अपर पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में, और मॉलिक्यूल सी का जो आधा पार्ट बचा हुआ है वो कहां है सर? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलो आप, डॉटेड पोर्शन है ना, क्या डॉटेड मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये आपका मॉलिक्यूल ए, ये आपका मॉलिक्यूल बी, ये आपका मॉलिक्यूल सी, और ये आपका क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो डॉटेड पोर्शन है इसे आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, समझ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस रखा है, आप डिफरेंस से समझिएगा सारी चीजें। तो हमने क्या किया, एक वेसल लिया, एक कंटेनर लिया, हॉलो कंटेनर, और उसमें हमने लिक्विड भर के रखा है, वाटर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर लिक्विड। तो कंसिडर अ कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड, वन मोर टाइम, कंसिडर अ कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड, ठीक है, एंड वेयर
PQR इज अ सरफेस फिल्म, वेयर PQR इज अ सरफेस फिल्म, दिख सकता है आपको यहाँ पे PQRS इज अ सरफेस फिल्म जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, थिकनेस आपकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये थिकनेस कितनी है, 10^-9 मीटर या तो 1 नैनोमीटर। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। कंसिडर अ कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड, लेट PQRS बी द सरफेस फिल्म ऑफ दैट कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड, और PQ इक्वल टू SR कितना है, 10^-9 मीटर या फिर आप बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर। पहला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, डायग्राम को देखने के बाद एक और पॉइंट बनता है, ठीक है, क्या क्या बनता है। कंसिडर थ्री मॉलिक्यूल ए बी सी, वन मोर टाइम, कंसिडर थ्री मॉलिक्यूल्स ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, कहां पे, इन द कंटेनर, ठीक है, इन द वेसल और इन द कंटेनर। चलिए मॉलिक्यूल ए देख लिया सबने, सबको समझ गया मॉलिक्यूल ए कैसा है, तो आप डायग्राम को देख के मुझे बताइए मॉलिक्यूल ए कैसा है। तो आप कहेंगे सर मॉलिक्यूल ए इज डिप्ड वेल इनसाइड द लिक्विड, मॉलिक्यूल ए इज डिप्ड वेल इनसाइड द लिक्विड, वेयर एज मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल बी क्या है, मॉलिक्यूल बी विद इन द आर जस्ट बिलो फ्री लिक्विड सरफेस, और मॉलिक्यूल सी ऑन द सरफेस। देख लीजिए डायग्राम, क्या मॉलिक्यूल बी विद इन द सरफेस फिल्म, हाँ सर मॉलिक्यूल बी सरफेस फिल्म के अंदर में ही है लेकिन कुछ पार्ट उसका एयर में है। मॉलिक्यूल सी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल सी का अपर पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है और लोअर पार्ट लिक्विड में है, या तो मैं सीधा बोलता हूं मॉलिक्यूल सी सर सरफेस में है। पहला पॉइंट सबका क्लियर हो गया, मैंने डिफरेंस में लिख के रखा है तो आसान जाएगा आपको याद करने में। अच्छा, अब एक और चीज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसका कहां पे है, आप इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देख के मुझे बताइए कहां पे है। तो आप कहेंगे कि मॉलिक्यूल ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इनसाइड द लिक्विड, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड, वेयर एज मॉलिक्यूल बी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉलिक्यूल बी का कहां पे है, तो आप कहेंगे सम पार्ट आउटसाइड द लिक्विड, और मॉलिक्यूल सी की बात करेंगे तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उसका कहां पे है, तो आप कहेंगे अपर पार्ट इन द एयर एंड लोअर, अपर हाफ पार्ट इन द एयर एंड रिमेनिंग हाफ पार्ट इन द लिक्विड, यानी आधा पार्ट इसका एयर में है और आधा पार्ट लिक्विड के अंदर में है। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल बी समझ गया इसका आउटसाइड है और इसका अपर हाफ सरफेस आउटसाइड द लिक्विड, सराउंडेड बाय, अब इसके नियरेस्ट नेबर मॉलिक्यूल कौन से हैं, तो इसके नियरेस्ट नेबर मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड है, ठीक है, इसके चारों तरफ कौन से नेबरिंग मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए के चारों तरफ कौन है, तो आप कहेंगे कि नेबरिंग मॉलिक्यूल तो इसके लिक्विड है जिसके कारण इसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। हाँ, अडेसिव फोर्स कितना होगा, अडेसिव फोर्स कोएसिव रहेगा, अडेसिव रहेगा क्या, देखो लिक्विड के अंदर है तो अडेसिव कितना होगा, अडेसिव सर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो और एक चीज, मैंने आपको नेट फोर्स बताया था, नेट फोर्स याद आया, इसको एक मॉलिक्यूल नीचे खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल राइट में, फिर ये राइट में, लेफ्ट में, ये नीचे ऊपर, ऐसे करते करते नेट फोर्स क्या हो गया इसका, जीरो। ओके, नेक्स्ट, आउटसाइड सरफेस कंटेन एयर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बी क्या है, थोड़ा बहुत तो एयर में है, तो आउटसाइड सरफेस कंटेन एयर मॉलिक्यूल व्हिच नंबर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल या तो लिक्विड मॉलिक्यूल। मुझे आप बताओ, एक बलून में लिक्विड मॉलिक्यूल है और एक बलून में एयर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक आपने गुब्बारा लिया, एक बलून लिया, एक में पानी भरा, होली के समय ऐसे ही करते ना, खाली बलून तो नहीं फेंक के मारते, तो आप क्या करते हो, लिक्विड भरते हो बलून के अंदर, मतलब तो पानी भरते हो बलून के अंदर, और एक बलून क्या होता है, खाली होता है। मुझे बताइए किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, तो आप कहेंगे लिक्विड में, ठीक है, एयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे कम, तो आप कहेंगे कि आउटसाइड सरफेस कंटेन एयर मॉलिक्यूल,
whose number is negligible as compared to the number of liquid molecule. बात समझ गई? चलो बाजू में देख लेते हैं, सी में क्या है? सी में तो आधा एयर मॉलिक्यूल है और आधा लिक्विड है. सी में क्या है? सी में आधा एयर मॉलिक्यूल और आधा क्या है? लिक्विड है. फिर भी सर नंबर तो लिक्विड मॉलिक्यूल का ही ज्यादा रहेगा ना, नंबर तो लिक्विड मॉलिक्यूल का ही ज्यादा रहेगा. तो बट नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल. तो पॉइंट नंबर थ्री आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए है, वो भी फोर्स के साथ. अच्छा मॉलिक्यूल ए क्या होगा? कहीं पे भी घूम सकता है ना. मॉलिक्यूल ए आ जाते हो, एयर में तो है ही नहीं, वो पूरा का पूरा पानी के अंदर है. तो मॉलिक्यूल ए इज फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द लिक्विड. और मॉलिक्यूल बी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल बी में क्या है? अडेसिव है. और लिक्विड मॉलिक्यूल भी है तो अडेसिव बड़ा होता है कि कोहेसिव बड़ा होता है? तो आप कहेंगे कि जो टोटल फोर्स लगेगा उसमें कौन जीतेगा? उसमें कोहेसिव फोर्स जीतेगा क्योंकि कोहेसिव ज्यादा स्ट्रांग होता है. और यहां पे अगर बात करें तो आप बोलेंगे सर रिजल्टेंट जो भी फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा? कोहेसिव लगेगा क्योंकि अडेसिव क्या होता है? वीक होता है. तो एयर भी है लिक्विड भी है बट इसमें जीत किसकी होगी? कोहेसिव की. ठीक है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स अडेसिव से बड़ा होता है. अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं. आपके पास एक छोटी सी बकेट है या फिर कोई ग्लास, ठीक है ओके, और आपके पास एक ड्रम है, आपके पास एक ड्रम है, ठीक है. किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे? किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे? तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं सरफेस एरिया, किसका ज्यादा होगा? ड्रम का, है ना, ड्रम का सरफेस एरिया ज्यादा होगा. अच्छा चलो ठीक है. इसको खाली करने में ज्यादा वर्क लगेगा कि इसको खाली करने में? ड्रम को खाली करेंगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि ग्लास को खाली करने में? यानी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा, है ना. सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, ठीक है ठीक है, बात समझ में आ गई. अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर ये मॉलिक्यूल को नेट फोर्स क्या लग रहा है? डाउनवर्ड. ये भी मॉलिक्यूल को नेट फोर्स क्या लग रहा है? डाउनवर्ड. तो बच्चों जब ये मॉलिक्यूल नीचे आता है, जब ये मॉलिक्यूल नीचे आता है तो जैसे ये नीचे आता है, ये सपोज आपका नीचे आ गया तो ये इसकी जगह पे ऊपर आ जाता है. बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं? फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें ना इमेजिनेशन पे चल रही है. आपने कभी देखा भी नहीं हो कि मॉलिक्यूल एक नीचे जा रहा है फिर दूसरा ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है फिर नीचे, ऐसा कोई ध्यान देता है? नहीं. ये सब फालतू काम हमारे पास रहते हैं क्या? नहीं. हाँ लेकिन सिलेबस में तो है तो फिर ऐसा कुछ होता होगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा. तो बच्चों ऐसा ही होता है, अगर एक मॉलिक्यूल, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये पहला मॉलिक्यूल ले लीजिए और यहाँ पे काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. तो अगर ये मॉलिक्यूल आपका नीचे आ रहा है तो उसकी जगह पे कोई और मॉलिक्यूल चला जाता है. बात समझ में आ गई? ये नीचे ऊपर जाने में वर्क होता है, उसी को आप कहते हो वर्क डन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी. सबको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस वर्क इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल नीचे आता है धीरे 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 पानी क्या होता है? शांत हो जाता है. ड्रम का पानी धीरे धीरे क्या होता है? कुछ देर बाद एकदम शांत हो जाता है. क्या हिलती रहता है क्या? एक बार ड्रम के पानी को आपने हिला दिया और एक घंटे बाद चेक कर रहे हो तो क्या ड्रम का पानी हिलती रहेगा? हिलती रहेगा नहीं ना. कुछ देर बाद ड्रम का पानी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा. कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा ड्रम का पानी शांत होने के बाद? कैसे दिखता है? एकदम स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन टाइप, एकदम स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एकदम सपाट, एकदम प्लेन, एकदम हॉरिजॉन्टल. समझ गया?
शांत पानी आपने देखा होगा तो आपको पता है कि पानी एकदम प्लेन होता है, एकदम ऊपर नीचे से लहरें नहीं आती उसमें, वो एकदम क्या होता है, प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, चलिए यहाँ पे किसी कुछ डाउट होगा तो अभी पूछ लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है मुझे पता है ये, अगर डाउट आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्लियर करना। इज देयर एनी डाउट? क्लियर है? ठीक किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, हैंड्रेस कर सकते हैं आप लोग, कोई डाउट होगा तो हैंड्रेस कीजिए, नो डाउट। ओके, तो जितना भी मैंने पढ़ाया आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी काम आएगा, ऑफलाइन क्लास होती तो और भी मजा आ रहा था आप लोगों को, बट ऑनलाइन क्लास में मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आपको बता सकता हूँ कि इस तरीके से आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, इसको फील करके देखो तो आपको हाँ लगेगा कि ऐसा होता है। ठीक है, तो जो हमें काम की चीज मिली वो ये कि सरफेस एरिया, ये एमसीक्यूज है, ठीक है, ये एमसीक्यूज है आपका, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, और यही होता है आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा लिक्विड बिहेव करता है। लिक्विड बिहेव्स एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, लिक्विड बिहेव एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन ड्यू टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये है एमसीक्यूज। लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जिसके कारण आपको जो ऊपर का लेयर होता है पानी का वो कैसा दिखता है, एकदम शांत यानी स्ट्रेच दिखता है, स्ट्रेच ऐसा लगता है कोई उसको खींच रहा है ना, सभी तो इंसेक्ट उसके ऊपर क्या करता है, तैरता है, तैरता नहीं बोल सकते, स्केटिंग करता है, समझ सकते। चलिए हो गया, मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए, अब ध्यान दीजिएगा यहां से हम पढ़ना चाहें तो हमने बात की अभी जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे, तो ऑल मॉलिक्यूल लाइंग विद इन द सरफेस, सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल है सबको नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ब्लैक स्क्रीन पे मैंने यही तो बताया आपको कि जितने भी सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो नीचे आना चाहेंगे, और एक चीज उसके पीछे का एक सीक्रेट भी मैंने आपको बताया, जितने भी मॉलिक्यूल नीचे आना चाहेंगे उनकी जगह पे कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो इस बात को? ओके, तो ऑल मॉलिक्यूल लाइंग विद इन द सरफेस फिल्म एक्सपीरियंसेस अ टोटल इनवर्ड पुल, टोटल नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो टोटल इनवर्ड पुल, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द लोअर एंड अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इंसेक्ट। एक और चीज, ये सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और जो भी वर्क हो रहा है वो किसके अगेंस्ट में हो रहा है, कोहेसिव फोर्स के। आप अगर मॉलिक्यूल को बाहर ले जाते हो तो कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में आप वर्क कर रहे हो, और वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होता है, हमेशा याद रखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको याद होनी चाहिए, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, वन मोर टाइम ये डालोगे कम से कम 12 बार आने वाला है, 12 से 15 बार, 12 to 15 times ये डायलॉग आने वाला है, तो डायलॉग याद कर लो, क्या डायलॉग है, दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, वन मोर टाइम, दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो डायलॉग है और आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, हर टॉपिक में, जहां जहां देखोगे हर चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा। रोटेशनल डायनेमिक में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, इस चैप्टर में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिर्फ एक सेमी कंडक्टर वाले टॉपिक को छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक आने वाले सभी जगह आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हर बार हम वर्क डन निकालेंगे,
क्योंकि वागडन के इतने सारे फॉर्मूले जो याद करके रखे हैं, पीटी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी क्यू, और एक पढ़ा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डायलॉग भी उतनी ही बार आएगा जितने बार वागडन का फॉर्मूला आएगा। तो याद कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। याद रहेगा सबको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एक दो डायलॉग है, अभी टाइम है, मैं वो बाद में बताऊंगा। कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं ना फिजिक्स में जो बार बार काम आते हैं, उनको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसको याद कर लिया, और हमको पता है वर्क डन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एरिया, जितना बड़ा ड्रम होगा उतना बड़ा काम करना पड़ेगा, यानी एरिया के बढ़ने से वर्क डन बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, समझ गया ये? कोई डाउट किसी को? डन, आगे बढ़े, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट देख लो, लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू हैव अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यही टेंडेंसी क्या होता है, इसी का एक नाम होता है सरफेस टेंशन, इसी का एक नाम होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, या फिर द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड, वन मोर टाइम, टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू हैव अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। चलिए, लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन ड्यू टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, रहेगा याद? ड्यू टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये है MCQs, तो याद रहेगा, MCQs देखते बराबर याद आ जाता है आपको, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में सबसे इजी और स्कोरिंग पार्ट क्या होता है, MCQs ही तो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक फिनिश करते हैं, ठीक है। कुछ और छोटे छोटे चीजें हैं, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी, यूनिट एंड डायमेंशन, तो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस दो मिनट के अंदर थोड़ा डेफिनेशन वगैरह देख लो। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी दैट अ लिक्विड सरफेस होल्ड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और भी बहुत सारी चीजें होती है, आइसोथर्मल मतलब और भी है, पर अभी नहीं बता रहा मैं आपको, जितना काम का उतना बाकी थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़े। तो एक्स्ट्रा एनर्जी दैट अ लिक्विड सरफेस होल्ड्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, फिलहाल अभी वो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मैं बाद में बताने वाला हूँ, क्योंकि उसका डेरिवेशन होने वाला है जस्ट दो मिनट में। तो एक बार थ्योरी देख लो, ये सारी थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारी थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे, आप एक बार जरूर पढ़िएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। सारे चीजें, यूनिट डायमेंशन सब आपको आ जाएगा, ये देखो ये ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो आप, ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू टाइप का पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर फॉर अ मॉलिक्यूल एट द सरफेस फिल्म एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो सरफेस में जो मॉलिक्यूल रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी, ठीक है, डन, क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए फोर्स ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा रहे, डायमेंशन वगैरह सब आ जाएगा, थोड़ी देर में फॉर्मूला ही डिराइव करने वाले। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सरफेस एनर्जी का ही मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसी का और एक नाम होता है वर्क डन, ठीक है, जो वर्क होगा वही सरफेस एनर्जी है। फिलहाल मैं बस W लिखता हूं और A लिखता हूं, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, टेंशन इंटू एरिया, ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, इसको आप ईटा याद रख सकते हो, ईटा ब्रिक्स है ना, ईटा वगैरह सुना है, बीटा सुना होगा आपने, तो ईटा पढ़ सकते हो इसको याद रखने के लिए, और क्या कर सकते हो।
ईटा बोला तो आपको सरफेस एनर्जी आ जाएगा, ई इक्वल टू टा, ई टा। ओके, तो सरफेस एनर्जी क्या होगी? सरफेस टेंशन एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट एरिया जूल पर मीटर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला ये, तो मैंने पहले ही बोला था आपको, यूनिट याद कर लो, काम आने वाला। ठीक है, और एक नाम पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछता है, क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया है ना, क्यों दिया है? क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, वन मार्क के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया? तो आप कहिएगा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। फॉर्मूले के फॉर्म में इसको याद रखें ताकि न्यूमेरिकल भी आ जाए और डेरिवेशन भी आ जाए। क्या सबको ये समझ गया? क्या सबको ये याद रहेगा फॉर्मूला? यूनिट चलो हो गया, अब मैं बात करता हूं डायमेंशन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, जूल पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन चाहिए हमको, तो जूल का डायमेंशन याद है? मुझे तो याद है, LMT 212 आखिरी वाला माइनस। जूल का डायमेंशन LMT 212 आखिरी वाला माइनस, और लेंथ है तो मीटर है, डन। क्या आ गया डायमेंशन? L का पावर 0 हो जाएगा, M का पावर 1, T का पावर -2, और L का पावर 0 नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा। क्लियर है डायमेंशन? पेपर में डायमेंशन आता है, ठीक है, इसलिए डायमेंशन डिराइव किया गया। कर लेंगे डिराइव एग्जाम में, और ये आ जाएगा। तो ये आपका एक मार्क का क्वेश्चन है, और आपके टेस्ट में ये रह सकता है, ठीक है, आपके टेस्ट में ये रह सकता है। तो सारी चीजें हो गई। अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, अकेला जूल कितने अर्श के बराबर है? जल्दी बोलो, ये आना चाहिए, नहीं आ रहा है? मैंने याद करवाया था आपको 7 अर्श और ये 5 है, ठीक है, फटाफट आना चाहिए। अकेला जूल 7 अर्श के बराबर होता है, 10^7 अर्ज के, और अकेला न्यूटन कितना? 10^5 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है, आएगा। ओके, बेसिक है, बेसिक आना चाहिए। तो डाइन का यूज होगा और जूल और अर्ज का भी यूज होगा, अभी समय है, न्यूमेरिकल में देखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो जो लोग बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दो, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड आयन थी क्या, थेरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों इसका बोर्ड आयन थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो आप, थेरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों काम आएगा। तो ध्यान देने का, हम कर क्या रहे, हमने ब्लैक स्क्रीन देखी है, आप मैं आपको ब्लैक स्क्रीन से समझा देता हूँ। हमने क्या किया बच्चों, एक तार लिया, तार एक फ्रेम लिया हमने, ठीक है, हमने क्या लिया बच्चों, एक फ्रेम लिया, फ्रेम ऑफ वायर या फिर वायर फ्रेम, क्या लिया हमने, वायर फ्रेम। तो इस वायर फ्रेम को हमने ऐसा रेक्टेंगल शेप में बनाया है, इस वायर फ्रेम को हमने क्या बनाया है, इस रेक्टेंगुलर शेप में बना के रखा है। और हमने क्या किया, कोई नाम वगैरह दे देते हैं यहाँ पे, ABCD बोल दो चलेगा, ABCD, ठीक है। इस वायर फ्रेम को हमने क्या करना स्टार्ट किया, इसमें हमने कुछ सोल्यूशन भर के रखना है, तो हमने इसके अंदर क्या भर दिया बच्चों, हमने इसके अंदर सोप सोल्यूशन भर दिया, इसके अंदर हमने सोप भर के रखा है, सोप सोल्यूशन, ठीक है। और यहां पे हमने एक लगा दिया है स्लाइडर, स्लाइडर मतलब आप इसको स्लाइड कर सकते, यहाँ पे आपने स्लाइडर लगा दिया, स्लाइड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये लिक्विड में, ये लिक्विड में फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, ये कौन सा फोर्स है बच्चों, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन,
और आपको पता है कि फोर्स क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, टी इंटू ट्वाइस एल। ट्वाइस क्यों आया कोई बता सकता है मुझे? ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इसलिए पूछ रहा हूं। सोप, वेरी गुड वेरी गुड। सोप हैज टू लेयर, बता चुका हूं मैं आपको, ऑयल हो या तो सोप फिल्म हो, इनकी दो लेयर होती है, थिन फ्रेम वायर ऐसा भी आ गया तो दो लेयर रहेगी, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया एक फोर्स। अब हम चाहते हैं कि इस स्लाइडर को हम राइट साइड खींचे, तो हम इसको राइट साइड खींचना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्लाइडर को क्या किया, राइट साइड खींचा। तो जैसे ही मैंने स्लाइडर को राइट साइड ऐसा खींचा या तो पुल किया, तो बच्चों जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा ये, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर। ये हो गया मेरा डी डैश, ये हो गया मेरा सी डैश। बात समझ में आ गई सबको? हमने स्लाइडर से इसको स्लाइड किया, इतना फोर्स लगाया तो ये इतना डिस्प्लेस कर गया, और ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन है, इसे तो हम वर्क डन कहते हैं बच्चों, इसे ही क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। इसका हम ले लेते हैं यहां से यहां तक कुछ लेंथ ले लेते हैं एल, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डीएक्स। चलिए डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए, मैंने सारी चीजें आपको थियोरेटिकली बता दी। तो डेरिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले फोर्स चाहिए होता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना है, एफ इक्वल टू टी इंटू ट्वाइस एल, ठीक है, ये समझा। अच्छा और ये याद रखिएगा, मैं अगर कोई चीज बार बार लिख रहा हूं तो मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं, सोप हैज टू लेयर। ओके इंपॉर्टेंट बातें खत्म। अब हम बात करेंगे इस सेकेंड वाले की, जो डैश मैंने लगाया है उसकी, जो मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। तो आप ये कहेंगे कि सर सर वर्क इज डन, या फिर फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक डायलॉग है, इसको भी याद कर लो, मैं लिख दू इसके ऊपर डायलॉग, ठीक है, ये डायलॉग है इसको याद कर लो, जितने भी मैं बोल रहा हूं कि ये डायलॉग है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो डायलॉग को याद कर लेना चाहिए, बार बार रिपीट होता है। अच्छा क्या डायलॉग है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर एक और डायलॉग है बाद में बताऊंगा, डायलॉग दो है बट जो चलेगा वो बेटर है, या फिर स्मॉल वर्क इज टू बी डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और जो लिखना है वो लिखेगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, दो में से एक, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क इज टू बी डन, या फिर स्मॉल वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आप खुद से लिखिएगा, टाइम एक्चुअली कम बचा है, 4 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप खुद से लिखिए। क्या लिखिएगा ध्यान से सुनिए, बता देता हूं। पहला तो आपको डायलॉग पता चल गया, जितने वर्क डन आएंगे सब जगह एक ही डायलॉग रहेगा, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क इज रिक्वायर्ड, ये हो गया। दूसरा डायलॉग, स्मॉल वर्क इज टू बी डन, वन मोर टाइम, स्मॉल वर्क इज टू बी डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, समझ गया, लिख दिया मैंने, टाइम जाने दो जितना जा रहा है, थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आज, ठीक है, आपकी क्लास जो भी होगी थोड़ा लेट स्टार्ट हो सकती है। अभी ध्यान दो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी बोलो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, क्या मैं वर्क का फॉर्मूला ले लू, ये क्या सही बात है, अरे वर्क किया ना आपने एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स्ट्रा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसी वर्क के कारण हो रहा है, बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी के अभी, कोई भी क्वेश्चन हो अभी के अभी पूछ लो आप। तो हमने लिखा डी डब्ल्यू इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी एक्स, क्या मैं इस एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे ये लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकता हूं, क्या ये समझा, अरे ये समझा क्या,
इक्वल एंड अपोजिट, एंटी पैरेलल, बोथ आर इक्वल है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, समझ गया। जितना आप इसको इधर खींचोगे उतना ही लिक्विड अपने तरफ फोर्स लगाएगा, जितना आप इसको यहाँ खींचोगे उतना ही लिक्विड अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो इतना लिख सकते हैं हम। और हमको पता है क्या सर, ये फोर्स कितना है, 2 × length × dx। अरे हाँ या ना, क्या ये लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं हम लोग। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? होता है क्या? मैं ये बोल सकता हूं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अरे डायलॉग है ना, तो काम तो आएगा ही आएगा। क्या डायलॉग है? देयरफॉर दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू डीई इक्वल टू टी इंटू डी। क्या सभी को फॉर्मूला याद रहेगा? कोई दिक्कत है? समझ गया, ठीक है, ओके। तो सरफेस टेंशन का क्या मैं एक डेफिनेशन लिख सकता हूं? सरफेस टेंशन का क्या मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं? एक और क्या लिख सकता हूं? सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क पर यूनिट एरिया। और अगर आप इसमें फोर्स लगा रहे हो तो मैकेनिकल वर्क बोल सकते हो आप। मैकेनिकल समझता है सबको? मैकेनिकल मतलब, ठीक है, यही होता है। ये टू रह गया है, टू कब लगाना कब नहीं लगाना ये तो सबको पता चल गया होगा। टू रह गया, यहाँ पे टू लगा दीजिए, ठीक है। ये फॉर सोप सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं ये टू नहीं लगाता हूं तो समझ जाइए वो जनरल फॉर्मूला। डेरिवेशन क्लियर हो गया सबको? क्या ये डेरिवेशन लिख पाएंगे बोर्ड एग्जाम में आया तो? ठीक है, मैंने जितना भी एक्स्ट्रा था मिटा दिया, जो जरूरत का है वही लिखा है। क्या ये डेरिवेशन लिख पाएंगे? ओके, तो एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये होमवर्क है। टू टाइम्स रिटर्न होमवर्क, ये रिटर्न होमवर्क है आपका। आपको तीन बार इसको लिख के सबमिट करना है रूपाली मैम को, ठीक है। तीन बार लिखिए, ज्यादा अच्छा रहता है। एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देख के, और एक बार फुल प्रैक्टिस कि एग्जाम में आने वाला है, ये समझ। सारी बातें क्लियर हो गई? ओके, किसी को डाउट होगा हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। किसी को भी डाउट होगा आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। बस मैं फॉर्मूले आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं, फॉर्मूले आपको रिवाइज कर देता हूं, कल न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। डीई का मतलब क्या होता है, या फिर मैं डीई ना बोलते हुए सिर्फ ई बोलता हूं, ठीक है। सरफेस एनर्जी फॉर्मूले, अपने फॉर्मूले की लिस्ट में इनको लिख लेना। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला आपको पता चला, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू एरिया, ठीक है। ईटा एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू एरिया। बात क्लियर हो गई? और मैं आपको बहुत सारी वैरायटी भी पढ़ाने वाला हूँ, मर्क्यूरी ड्रॉप वगैरह, सोप बबल, जितना भी पॉसिबल है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल है, सारे पॉसिबिलिटी हम कवर करने वाले हैं। अभी के लिए आप सिर्फ फॉर्मूले कवर। सेकेंड हमने पढ़ा डीई, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। और ये चेंज इन एरिया आपको पता ही है कि क्या हो सकता है, ठीक है। एरिया जनरली स्फीयर लिया जाता है, स्फीयर ही लेते हैं हम इस चैप्टर में, 4πr² होता है, ठीक है। और अगर एरिया आपका चेंज होता है तो a2 - a1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है।
समझ गया। नोट यूज टू फॉर सोप पब्लिक ऑयल और थिन फ्रेम और वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।